अहमद हामीम गाड़ियारी शहरी श्रीनगर के डाउनटाउन एरिया से ताल्लुक रखने वाले इस नौजवान ने एक नई पहल शुरू की, जिसमें ये हर रोज सुबह और रात में 3 घंटे तक सड़कों पर मौजूद गड्ढों को ठीक करते हैं। शहरी श्रीनगर के सड़कों पर जगह जगह गड्ढे मौजूद होने की वजह से हामीम ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये इनिशिएटिव लिया, जिसके बाद उनको लोगों ने भी काफी सराहा और अभी श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों से उनको गड्ढे ठीक करने के लिए कॉल्स भी आती हैं। आइए मजीद हामीम से जानते हैं कि उन्होंने ये पहल कैसे शुरू की, उनको क्या मुश्किलात दरपेश आ रहे हैं और इस पहल को लेकर आगे उनके क्या प्लान्स हैं। फ्यू डेज पहले मेरी स्कूटी टू व्हीलर इसमें पॉट होल में गिर गई, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी इंजरी पैर में आई और फिर मैंने सोचा मतलब ये पॉट होल टू व्हीलर के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। फोर व्हीलर मतलब स्किप विकिप कर सकता है, बीच में निकाल सकता है या मतलब उसको व्हीकल में डैमेज आएगा, स्क्रैच और बम्पर टूट जाएगा, लेकिन टू व्हीलर के लिए ये खतरनाक हो सकता है, मतलब डेथ कॉज और डेथ भी हो सकता है। यहाँ से मतलब डाउनटाउन से बहुत सारे पॉट होल्स हैं, आप देख सकते हैं मतलब सोरा से नवशहरा से लेकर सोरा तक हमने 13 पॉट होल्स किए फिल, और निगिन से भी किया जहाँ पे मैं गिरा था वहाँ पे भी मैंने 2-4 पॉट होल्स किए, और अब हम कर रहे थे यहाँ से सफाकल टू खानियार, लेकिन आधे पॉट होल्स उसमें ऐसे हैं जो हम फिल नहीं कर सकते क्योंकि कहीं पे मतलब पाइप डैमेज है, कहीं पे मतलब वो पैच ही ख़राब है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैच ही ख़राब है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। आधे पॉट होल्स ऐसे हैं मतलब जिनमें मटेरियल 15-15 बैग्स ऑफ सैंड जा रहा है और 2-2 बोरियाँ सीमेंट जा रही है, मतलब वो बहुत मुश्किल है। वो राजूरिकल में एक पॉट होल था ATM के पास, वो हमने किया मतलब वो दिन में नहीं हो सकता है, इसलिए हमने वो 11:30 से स्टार्ट किया, 11:30 से लेकर 3 बजे तक उसमें लगे, हम 4 उस पर वर्क कर रहे थे उस टाइम, 4 लड़के, और मतलब 3:30 भी मतलब वो फिल नहीं हो सकता था, लेकिन हमने मेहनत मेहनत की, उधर इधर उसको फिल किया, पहले ब्रिक्स से सैंड वैंड लगाई और सब ने हेल्प की वहाँ पे, मतलब कोऑपरेट किया पब्लिक ने भी, उन्होंने उसके बाद जो उन्होंने ये डाइवर्जन भी कर दिया क्योंकि ये खराब नहीं होना चाहिए, उन्होंने बोला मतलब आप आए, इसको अभी 3 मंथ्स हुए हैं लेकिन तब से कोई नहीं आया, आप आए आपकी मेहरबानी, हमने बोला उनको कोई बात नहीं, मतलब उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, एवरीवन इज सपोर्टिंग अस, वी आर गेटिंग वेरी मच सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी। पहले मैंने इसके साथ, ये मेरा फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है तबरीज सूफी, मैंने इसके साथ शेयर किया, ये इसने बोला ठीक है हम ये ज्वाइन करेंगे। आफ्टर दैट मैंने अपने भाई को भी इसमें इस इनिशिएटिव में लाया, वो ये है मेरा भाई मोमिन जहूर, उसके बाद दूसरा है वो आज एब्सेंट है, ही इज़ यावर मैडी, हमने मतलब ना पहले ही किया था, मतलब 2 मंथ्स पहले ही किया था हमने इनिशिएटिव, लेकिन मतलब हम दो थे हम नहीं कर सकते दो खाली, क्योंकि इसमें वर्क डिवाइड होना चाहिए, एक वाटर लाएगा दूसरा सीमेंट लाएगा दूसरा मतलब व्हीकल निकालेगा, इसीलिए मतलब हर किसी का रोल इसमें ज़रूरी होना चाहिए, और जब 2-3 मिल जाते हैं तो काम मतलब जल्दी से निकलता है क्योंकि ये दो नहीं कर सकते, दो का काम नहीं। आपने खुद मैंने अभी बोला जैसे हमको एक पॉट होल में लगे 3.5 घंटे वो राजौरी कदल में है, ऐसे बहुत सारे पॉट होल्स हैं जिनमें मतलब 4-4 घंटे भी लग सकते हैं, किसी में कम टाइम, किसी में मतलब 1 घंटा ही लगता है, मतलब अगर गवर्नमेंट नहीं ये कर सकते हैं वर्क मतलब वो स्किप कर रहे हैं या गवर्नमेंट बिजी है किसी और प्रोजेक्ट में, मतलब फिर मतलब ये हमारा फ़र्ज़ बनता है ये ठीक करना, क्योंकि इसमें कोई भी जा सकता है, हमारी माँ बहन ही जा सकती है इसमें, हमारे रिलेटिव हमारे नेबर्स, मतलब ये हमारे लिए ज़रूरी है फिल करना, आगे प्लान्स है, लेकिन अब हमें मतलब फंड्स जो हमने इसके लिए रखे थे वो अब ख़त्म हो मतलब होने वाले हैं 2-3 दिन में। हाँ वो हम तीनों चार लड़कों ने अपनी तरफ से निकाले थे, अगर और भी लोग जुड़ जाएंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मतलब बोल रहा है मतलब हमें दोनों की सपोर्ट ज़रूरत है, टाइम भी हमें ज़रूरत है और मनी भी, क्योंकि 22 मई तक हमने रखा है, 22 मई तक हम एंड करेंगे, अगर उसके बाद कुछ सपोर्ट मिला तो हम ये कंटिन्यू करेंगे।